फ्रेंड्स, आज मैं आपको नवरात्रि के लिए माँ शेरावाली की मूर्ति बनाना सिखाऊंगा मिट्टी से। और यह मूर्ति बनाना बहुत ही इजी है, मैंने एकदम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताया है इस मूर्ति को बनाने के बारे में। बस आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए। फ्रेंड्स, मूर्ति बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक लकड़ी का टुकड़ा लिया है और जिसमें लोहे की एक कील को हथौड़ी की हेल्प से ठोक लिया है और इसमें हमने एक पेन को सेलो टेप की हेल्प से चिपका दिया। आप चाहें तो यहाँ पे बम्बू स्टिक का भी यूज कर सकते हो और आप धागे से भी बांध सकते हो। इसके बाद मैंने मिट्टी लिया है और सबसे पहले हम टाइगर के बॉडी को बनाएंगे। तो देखिए, इस टाइप से हमने मिट्टी को हला दिया है पेन में और इसके बाद नीचे से भी हमने मिट्टी लगा दिया है सपोर्ट के लिए। इसके बाद हम टाइगर के पैर को बनाएंगे। तो हमने चार पतला पतला क्वाल बना लिया है मिट्टी का, देखिए 2-2 इंच का, और इसी को हम लगाएंगे, 2 आगे के साइड और 2 पीछे के साइड। अगर आपको देखना है कि ये मिट्टी मैंने कैसे तैयार किया है मूर्ति बनाने के लिए, तो इसका वीडियो मैंने अलग से बनाया है जिसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर देख लें। फ्रेंड्स, चारों पैर लगाने के बाद पैर को जिस पोजीशन में रखना है उस पोजीशन में हम मोड़ लेंगे। और देखिए हमने कहां कहां पे मिट्टी ऐड किया है। आप मूर्ति बनाते टाइम एक दुर्गा माँ का फोटो रख ले बगल में और उसी में देख देख कर आप टाइगर के पैर का पोजीशन को आप बना सकते हो, किस टाइप से उसका पैर होता है। देखिए हमने कहां कहां पे मिट्टी को मोड़ा है, आप ध्यान से देखिए। फ्रेंड्स, इस मूर्ति के लिए काफ़ी लोगों का रिक्वेस्ट आया था कि आप एक माँ शेरावाली का मूर्ति बनाकर दिखाओ मिट्टी से। हालांकि मैंने एक वाल पुट्टी से बनाया था मूर्ति, पर बहुत लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि आप मिट्टी से बनाना सिखाइए माँ शेरावाली का मूर्ति। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने टाइगर का बेसिक स्ट्रक्चर बना दिया है और इसको क्लीन भी कर लिया है पानी की हेल्प से। देखिए उंगली से हमने क्लीन कर लिया है दोनों तरफ से। इसके बाद हम टाइगर के फेस का डिटेलिंग करेंगे। तो आप ध्यान से देखिए हमने कैसे किया है। यहाँ पे सबसे पहले हमने इस टाइप से देखिए निशान बना दिया है और इसी पे हम मिट्टी लगाएंगे। मैंने ज़्यादा डिटेलिंग नहीं किया है फेस पे, बस इतना किया है कि आप बना सको आराम से। देखिए इस टाइप से हमने मिट्टी ऐड किया है, नीचे से भी थोड़ा सा मिट्टी ऐड करेंगे और इसके बाद आइज के लिए भी वहाँ पे हम थोड़ा सा गड्ढा करेंगे इस टाइप से। इसके बाद हम नोज के लिए भी थोड़ा सा मिट्टी ऐड करेंगे, देखिए यहाँ पे, और ऊपर में कान भी हम बना लेंगे इस टाइप से थोड़ा थोड़ा मिट्टी लगाकर। फ्रेंड्स, आप चाहे तो इसी टाइप से बिल्ली भी बना सकते हो और ये भी दिखने में बिल्ली जैसा ही लग रहा है, पर कलर होने के बाद यह टाइगर जैसा दिखने लगेगा। फेस पे मिट्टी ऐड करने के बाद हमने सबको क्लीन कर लिया है। इसके बाद हम फेस का डिटेलिंग करेंगे। तो आप ध्यान से देखिए हमने फेस का डिटेलिंग कैसे किया है। फ्रेंड्स, मूर्ति बनाने के लिए जो मैं टूल्स यूज कर रहा हूँ इसका लिंक भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप चाहें तो वहाँ से भी खरीद सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आपके पास इस टाइप का टूल्स ना हो तो आप इसके जगह सुई का भी हेल्प ले सकते हो इस काम को करने के लिए, देखिए इस टाइप से लकीर खींचने के लिए। इसके बाद हम सबको क्लीन कर लेंगे फेस को और अब हम पंजा बना लेंगे पैर का। तो देखिए इस टाइप से हमने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया और इसको भी क्लीन कर लिया है और पीछे से एक पतला क्वाइल बनाकर इसके पूंछ को हमने बना दिया है। इसके बाद बॉडी पर भी इस टाइप से टाइगर के जैसे बॉडी पर निशान होता है इस टाइप से हमने बना दिया है। पीछे से भी हम इसी टाइप से बना देंगे और सबको क्लीन कर लेंगे ब्रश में पानी लाकर। देखिए हमने पीछे से भी इसी टाइप से बना लिया है, कलर होने के बाद यह टाइगर जैसा एकदम दिखने लगेगा। इसके बाद हमने इसके ऊपर एक चादर बनाया इस टाइप से और इसी के ऊपर हम दुर्गा माँ को बनाएंगे। तो चादर बनाने के लिए भी हमने देखिए मिट्टी ऐड किया है और सबको क्लीन कर लिया है। इसके बाद हम इस पर कुछ डिजाइन बना लेंगे, आप चाहें तो प्लेन भी रख सकते हो। और इस पर हमने पेन की रिफिल से भी कुछ डिजाइन बना दिया है साइड साइड से बॉर्डर पर, देखिए। और इसके बाद इसके ऊपर हम दुर्गा माँ की मूर्ति को बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने देखिए बॉडी बनाया है, इसको हमने इसमें हला दिया है ऊपर के जो स्टिक था उसी में, इस टाइप से बॉडी का शेप हम दे देंगे। और इसके बाद इनका हम पैर बनाएंगे। तो हमने इस टाइप से लंबा कॉइल बनाकर इसको मोड़ लिया है, इस टाइप से जिस पोजीशन में पैर को रखना है उस टाइप से मोड़ ले और इसको यहाँ पे फिक्स करेंगे, अच्छे से ज्वाइंट करना है ताकि यह गिरे ना। साइड से भी देखिए हमने मिट्टी ऐड किया है कमर बनाने के लिए। इसके बाद हम दूसरे पैर को भी इस टाइप से ज्वाइंट कर देंगे अच्छे से, पीछे से भी मिट्टी लगाकर ज्वाइंट कर देना है अच्छे से। और इसके बाद हम इनके साड़ी को बनाएंगे। तो साड़ी को बनाने के लिए हमने मिट्टी के पतले पतले कॉइल को यहाँ पे पैर से ज्वाइंट किया है और इसको मिला देंगे इस टाइप से, देखिए। और इधर से भी हम पतले क्वाइल को ज्वाइंट करेंगे, देखिए आप ध्यान से हमने कैसे किया है। दोनों मिट्टी को ज्वाइंट करके इसको हम क्लीन कर लेंगे और इसके ऊपर हम टूल्स की हेल्प से फोल्ड बनाएंगे साड़ी का। तो देखिए इस टाइप से हमने मिट्टी को कट किया है टूल्स की हेल्प से, देखिए। और इसके बाद ऊपर में भी जो गड्ढा दिख रहा है दोनों पैर के बीच में, इसमें भी हम मिट्टी लगाकर इसको फिल कर देंगे। और दूसरे पैर में भी इस टाइप से हम साड़ी का फोल्ड बनाएंगे। तो हमने पहले मिट्टी लगाया है और इसके बाद हम इस पे साड़ी का फोल्ड बना लेंगे टूल्स की हेल्प से। तो आप ध्यान से देखिए हमने कैसे फोल्ड को बनाया है, बहुत ही सिंपल है ये, इस टाइप से मिट्टी को कट करना है। फ्रेंड्स, साड़ी के फोल्ड को बनाने के बाद ब्रश में पानी लगाकर सबको हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे। देखिए हमने क्लीन कर लिया है,
इसके बाद हम पैर के उंगली को बना लेंगे। तो हमने टूल्स की हेल्प से देखे लंबा लंबा लकीर खींचा है, आप ये सुई की हेल्प से भी बना सकते हो। दोनों पैर में हमने उंगली को बना दिया है। इसके बाद साड़ी में भी हमने इस टाइप से यहाँ पे फोल्ड बनाए देखिए, और नीचे से भी मिट्टी लगाकर हम बाकी का जो पार्ट है साड़ी का वो हम बना लेंगे। तो यहाँ पे भी हमने फोल्ड बनाए देखिए इस टाइप से, और सबको हम क्लीन कर लेंगे ब्रश में पानी लगाकर। इसके बाद हम ऊपर के बॉडी में भी साड़ी के फोल्ड को बना लेंगे। तो देखिए हमने पतले पतले क्वाइल को चिपकाया है यहाँ पे, टूल्स की हेल्प से हमने बीच में मिट्टी को भी कट किया है ताकि फोल्ड बन सके अच्छे से साड़ी का। तो देखिए इस टाइप से हमने मिट्टी को कट किया है, और सबको भी ब्रश से हम क्लीन कर लेंगे पानी लगाकर। फ्रेंड्स, साड़ी को क्लीन करने के बाद हम कमरबंद बनाएंगे। तो हमने पतले क्वाइल को यहाँ पे चिपकाया है, देखिए चारों तरफ से इसी टाइप से हम चिपका लेंगे, और इस पर सुई और पेन की रिफिल की हेल्प से हम इस पर कोई डिजाइन बना लेंगे। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से हमने डिजाइन बनाया है, और पेन की रिफिल से ये बहुत अच्छे से डिजाइन बन जाता है, और बीच में भी हमने देखिए मिट्टी ऐड करके ये डिजाइन बना लिया। इसके बाद हम मूर्ति का हाथ को लगाएंगे। तो हमने देखिए इस टाइप से क्वाइल को लगाया है, पहले हम दो हाथ को लगाएंगे और पीछे से हम तीन तीन हाथ को दोनों साइड से लगाएंगे। देखिए हमने पीछे से भी अच्छे से ज्वाइंट कर दिया है ताकि ये गिरे ना। इसके बाद हम देखिए हमने इस टाइप से हाथ को बनाया है बाकी के हाथ को। तो आप ध्यान से देखिए हमने कैसे बनाया है हाथ को। उंगली बनाने के लिए हमने पतले पतले क्वाइल को बनाया है देखिए इस टाइप से, और इसी से हम चार क्वाइल की हेल्प से पहले हम उंगली बना लेंगे, चार उंगली। देखिए इस टाइप से ज्वाइंट करना है अच्छे से ताकि ये गिरे ना। और इसके बाद इसको हाथ को मोड़ने के लिए इस टाइप से हम इसको मोड़ेंगे। पहले हमने यहाँ पे मिट्टी लगा दिया है, और मिट्टी लगाने के बाद इसको क्लीन करके इसको इस टाइप से उंगली को मोड़ेंगे। देखिए अच्छे से सावधानी से मोड़े ताकि ये टूटे ना। उसके बाद इस टाइप से हम सुई की हेल्प से अच्छे से उंगली को उभार लेंगे, और यहाँ पे भी हमने थोड़ा सा मिट्टी ऐड किया है। और इसके बाद एक अंगूठा बनाकर हम इसको भी यहाँ पर चिपका देंगे। सबको अच्छे से ज्वाइंट करने के बाद इस पर हम सुई की हेल्प से हम इस पर डिजाइन भी बना देंगे, लकीर खींच लेंगे हथेली पर, और ये हाथ बनकर रेडी है। इसी टाइप से हमने आठ बना लिया है दुर्गा जी के, और इसको हम चलिए मूर्ति में अब ज्वाइंट करते हैं। फ्रेंड्स, माँ शेरावाली का आठ हाथ होता है, तो हमने दो हाथ पहले ही बना दिया था, तो तीन तीन हम पीछे से लगाएंगे। देखिए अच्छे से ज्वाइंट करें मिट्टी लगाकर, नहीं तो यह गिर भी सकता है। अगर हाथ को लगाते टाइम अगर अच्छे से हाथ ज्वाइंट ना हो पाए, गिरने लगे, तो आप चाहें तो अगरबत्ती के जलने के बाद जो स्टिक बच जाता है उसको इस टाइप से लगाकर और इसमें हला दे तो ये अच्छे से ज्वाइंट हो जाएगा। देखिए हमने पीछे से भी मिट्टी लगाकर इसको अच्छे से ज्वाइंट कर दिया है, और क्लीन भी कर दिया है पानी से। स्टिक लगाने पर ड्राई होने के बाद इसमें क्रैक आने का डर रहता है, देखिए हमने क्लीन कर दिया है। और इसके बाद हम साड़ी के आँचल को बना लेंगे देखिए इस टाइप से, और इस पर भी हम इस टाइप से फूल बनाकर इसको क्लीन कर लेंगे ब्रश की हेल्प से। इसके बाद हम आगे का जो दो हाथ है इसमें हम उंगलियां बना लेंगे। तो ये ब्लेसिंग वाला हाथ है, तो इसलिए हम इस हाथ को खुला हुआ रखेंगे। तो देखिए हमने पतला पतला क्वाइल बना लिया है मिट्टी से, और इसी को चिपकाया है यहाँ पे। पहले हम चार उंगलियाँ को बना लेंगे, और देखिए नीचे भी हमने थोड़ा सा मिट्टी ऐड करके इसको क्लीन कर लिया है। और इसके बाद एक अंगूठा बनाकर यहाँ पे चिपका देंगे, और सुई से हम देखिए हाथ पे लकीर बना देंगे। इसके बाद हम त्रिशूल बनाएंगे। तो हमने पेन की रिफिल में एल्युमिनियम फॉइल लपेट दिया है, और देखिए ऊपर में हमने एक पतला कील लगा दिया है, और ये हमने मिट्टी से त्रिशूल बना लिया, और इसी को हम इसमें लगा देंगे इस टाइप से, और ये त्रिशूल बनकर रेडी है। और इसको हम यहाँ पे दूसरे हाथ में इस टाइप से ज्वाइंट कर देंगे मिट्टी की हेल्प से, और इसमें भी हम उंगली बना लेंगे। तो यहाँ पे भी हमने पतला पतला क्वाइल को चिपकाया है देखिए इस टाइप से, और साइड से एक अंगूठा बनाकर उसको भी हम चिपका देंगे, और देखिए ये हाथ बनकर रेडी है। फ्रेंड्स, हमने मूर्ति के बॉडी को बना दिया है, इसके बाद हम इसके फेस को लगाएंगे। तो फेस का वीडियो मैंने अलग से बनाया है, उसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर देख लेना। और हमने देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसका गर्दन बनाया, और इसी में हम इसको चिपका लेंगे फेस को, और पीछे से भी मिट्टी लगाकर अच्छे से ज्वाइंट कर लेंगे। ऊपर में हमने थोड़ा मिट्टी लगाया है मुकुट बनाने के लिए, और यहाँ पर हम पहले गले का नेकलेस बना लेंगे, और इसमें भी हम सुई और पेन के रिफिल से कोई डिजाइन बना लेंगे, और नीचे से भी हमने छोटा सा एक हार बना दिया है, और इन सब पे पेन की रिफिल और सुई की हेल्प से हम कुछ डिजाइन बना लेंगे। देखिए आप ध्यान से, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने यहाँ पे डिजाइन बनाया, और सेम इसी टाइप से हमने आगे के दोनों हाथ पे भी बाजू बंद बना दिया है। और अब हम मूर्ति के बाल को बनाएंगे। तो देखिए हमने दोनों साइड से इस टाइप से मिट्टी ऐड किया है, और मिट्टी को ऐड करने के बाद हमने टूल्स की हेल्प से इस टाइप से देखिए लकीर खींचा है। दोनों साइड से हम इसी टाइप से खींचेंगे, और इसको क्लीन कर लेंगे ब्रश में पानी लगाकर। और पीछे से भी हमने इसी टाइप से लंबा लंबा लकीर खींचा है मिट्टी ऐड करके, देखिए। और ये बाल हमने बना लिया है दोनों साइड से। अब हम कान बना लेंगे। तो देखिए हमने थोड़ा थोड़ा मिट्टी ऐड किया है, और छोटा सा कुंडल भी हम बना लेंगे इसी में पेन की रिफिल की हेल्प से। इस पर हमने डिजाइन बना दिया है कुंडल पे, और अब हम मुकुट बनाएंगे। तो हमने पहले सुई की हेल्प से इस पर डिजाइन बना दिया इस टाइप से, और मुकुट के ऊपर के पार्ट को हम बनाएंगे। तो देखिए इस मुकुट के ऊपर भी मैंने डिजाइन पेन की रिफिल और सुई की हेल्प से ही बनाया है। इसके बाद हमने पीछे से भी एक डिजाइन बना लिया था, इसको अच्छे से चिपका देंगे, और आगे से भी मिट्टी लाकर हम मुकुट के आगे के पार्ट बना लेंगे, और इस पर भी हम कुछ डिजाइन बना लेंगे। और यह मूर्ति बनकर रेडी है, देखिए इसका फाइनल लुक।
फ्रेंड्स, आपको ये मूर्ति कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको इसका कलर वाला वीडियो देखना है तो आप लोग कमेंट में बताना, तो मैं जल्दी इसका कलर वाला वीडियो भी ला दूंगा। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं एक प्यारे से वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।